So, hello everyone and welcome to your beautiful channel Vedantu NCERT Solution class 11th and 12th. इस चैनल पे आप लोग को हर एक सब्जेक्ट के हर एक क्वेश्चन के डिटेल्ड NCERT सॉल्यूशन मिलने वाले हैं। जैसे कि आज हम लोग कर रहे हैं मैथ्स के एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3। क्या है क्वेश्चन? टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एज द यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट में हम लोग को नेचुरल नंबर सारे लेने हैं, 1, 2, 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक चलते जाएंगे। राइट आउट द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो करते हैं यार, सबसे पहला क्या है? x such that x is an even number, यही तो है। कॉपी पेन निकाल लो, सॉल्यूशन करना चालू करो। ठीक है, x is an even natural number, तो यार इसका अगर कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे ना तो इवन नहीं होने चाहिए, तो क्या हो जाएगा? x such that x is an odd natural number। समझ में आया कि नहीं? odd natural number, क्योंकि इवन तो होना नहीं चाहिए, बचा क्या? odd ही तो होगा, बिल्कुल ऑब्वियस है। अब क्या ऑड है? ऑड नहीं होगा तो इवन होगा, बस बहुत प्यारा। सेकंड वाला तो बहुत ही आसान है, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। क्या मेरी बात समझ में आई है? थर्ड वन, एक्स इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। इसमें क्या है? मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, दैट्स इट। बहुत प्यारा, x such that x belongs to natural number, obviously वो है, बट तब भी मैं लिख दे रहा हूं, it's totally up to you, and x is not a positive multiple of 3। क्लियर हुआ? चलो फोर्थ, कॉम्प्लीमेंट मीन्स होता है बस है वो नहीं है, जो है वो नहीं है, दैट्स इट। फोर्थ, x इज अ प्राइम नंबर, अरे वाह, x सच दैट, सबसे पहले x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज प्राइम होना चाहिए, तो इधर क्या हो जाएगा? कॉम्पोजिट नंबर, कॉम्पोजिट नंबर। क्या मेरी बात समझ में आई है? ये फोर हो गया। अब आते हैं फिफ्थ पे। फिफ्थ क्या है अपना? 1, 2, 3, 4 हो गए। फिफ्थ, x is a natural number divisible by 3 and 5। अब क्या हो जाएगा? That is not divisible by 3 or 5। x such that x is a natural number that is not divisible by 3 and 5। क्लियर हुआ है? यार देखो, सॉल्यूशंस को समझो। आप सॉल्यूशंस देख रहे हो एनसीईआरटी के, मतलब आपको एनसीईआरटी भी नहीं लग रही है, उसको समझो और ऐसे और भी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। ठीक है, सेट्स को पूरा कंप्लीट कर डालो, यहीं से आप लोग की स्टार्ट है, ये दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। समझ रहे हो बात को? चलो सिक्स्थ क्या है अपने पास? एक्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर, एक्स इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। वाह, x such that x is not a perfect square, x is not a perfect square। बहुत सिंपल है। सेवेंथ वन, x is a perfect cube, x is not a perfect cube, x such that x is not a perfect cube। क्या मेरी बात समझ में आई है? अब आते हैं एट्थ, x प्लस 5 इक्वल्स टू 8, x के लिए क्या आ जाएगी? यहां से 3 आ जाएगी, यहां से इस वाला जो सेट लिखा हुआ है यहां पे एट्थ वाले में, यहां से x के लिए क्या आ रही है? 3 आ रही। अब 3 नहीं होनी चाहिए, फील आ रही, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, 5 को, ये 5 को अपन ने इधर भेजा तो ये 3 होगी। अब 3 नहीं होनी चाहिए ये कहा गया, तो 3 नहीं होनी चाहिए तो क्या हो जाएगा? x such that x belongs to natural number होना चाहिए एंड x is not equals to 3, x 3 के बराबर नहीं होना चाहिए, because हम लोग complement ही find कर रहे हैं। Ninth, अब देखो यहां से 2x plus 5 equals to 9, 5 minus करेंगे 9 से बच्चों क्या हो जाएगा? देखो 5 इधर बेचा पर है, 9 में से 5 minus करेंगे 4 होगा, तो यहां से x के लिए जो आ रही है वो कितनी आ रही है बच्चों? 2 आ रही है। समझ में आ गई बात? 5 इधर minus कर, 9 minus 5 4 हो गया, 4 में से 2 गया, 2 बचा, 2 हो गया, x is equals to 2। तो यहां क्या बचेगा? x such that x belongs to natural number and
एक्स इज नॉट इक्वल टू टू, दैट्स इट। ये था नाइन्थ। अब आते हैं टेंथ पे। टेंथ क्या है अपने पास, अगर आप टेंथ को ध्यान से देखो, x सच दैट x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7, इसका नहीं क्या हो जाएगा, x 7 के बराबर नहीं होना चाहिए, इक्वलिटी होल्ड कर रही है, x 7 के इक्वल नहीं होना चाहिए और उससे बड़ा भी नहीं होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए। तो ये हो जाएगा x सच दैट x शुड बी लेस देन 7, एंड नेचुरल नंबर तो है ही, आप लिख सकते हो यहां पे इफ यू वांट। अब आते हैं 11th पे, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। यहां पे आप देखो 2x + 1 = 10 है, तो x के लिए यहां चाहिए जाएगी 9/2, क्या जाएगी 9/2, 1 उधर जाएगा और x डिवाइड करेंगे, 10 माइनस 1 होता है 9, फिर x को डिवाइड कर। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली है, इक्वलिटी होल्ड कर रही है यहाँ पे इक्वलिटी होल्ड कर रही है, तो यहाँ पर x इज ग्रेटर देन 9/2 है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 9/2 से बड़ा नहीं होना चाहिए अपना, समझ रहे हो मेरी बात, 9/2 से बड़ा नहीं होना चाहिए और इक्वलिटी होल्ड नहीं कर रही, वहां पर इक्वलिटी होल्ड कर जाएगी, 9/2 से बड़ा नहीं होना चाहिए, 9/2 हो सकता है, 9/2 से बड़ा नहीं होना चाहिए, इसका कॉम्प्लीमेंट है। तो ये हो जाएगा अपने पास 11th वाला, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x शुड लेस देन 9/2 और इक्वलिटी होल्ड करेगी, क्या मेरे प्यारे बच्चों को ये समझ में आ गई बात, कॉम्प्लीमेंट ही तो निकाल रहे, जो है वो नहीं होना है, उसका नहीं, जो है उसका नहीं। तो ये था हम लोग का 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3 का डिटेल्ड एनसीईआरटी सॉल्यूशन। ऐसे ही मोर सॉल्यूशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिटेल सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए ध्यान रखो अपना, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड बाय।